हेलो फ्रेंड, इजी नर्सिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जो की पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा, वो है रूमेटिक फीवर इज़ कॉज्ड बाय ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। जो रूमेटिक फीवर होता है उसका कॉज क्या है? तो उसका कॉज है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। रूमेटिक फीवर का कॉज है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट पॉइंट है रूमेटिक फीवर इज एन इन्फ्लामेटरी ऑटोइम्यून डिजीज दैट अफेक्ट द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द हार्ट। तो रूमेटिक फीवर क्या है? ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो किसको अफेक्ट करती है? कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द हार्ट एंड जॉइंट। हार्ट और जॉइंट के जो कनेक्टिव टिश्यू है उनको अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है माइट्रल वाल्व इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड हार्ट वाल्व इन रूमेटिक फीवर। तो रूमेटिक फीवर के अंदर जो हार्ट के बाल्ब होते हैं उनमें से मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड बाल्ब है वो कौन सा है? माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व जो है मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है। थ्री सीज जो है कफ, चॉकिंग और साइनोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टूला। थ्री सी जो आता है, कफ है, चॉकिंग, साइनोसिस, वो किसका साइन है? ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टूला के साइन है। लैक्टोज इंटॉलरेंस इज एन इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट मिल्क एंड सम डाइटरी प्रोडक्ट लैक्टोज कंटेनिंग प्रोडक्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? लैक्टोज इंटॉलरेंस ये है कि जो मिल्क है और जो डेयरी प्रोडक्ट है जिसमें लैक्टोज जो शुगर है उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इन एबिलिटी टू डाइजेस्ट, तो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज। लैक्टेज की डेफिशिएंसी के बारे में, लैक्टेज की डेफिशिएंसी के कारण वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है फिनाइल किटेन्यूरिया इज ए कंजेनाइटल ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज इन विच बॉडी फेल टू मेटाबोलाइज द एमाइनो एसिड फेनिलएलनिन टू टायरोसिन। फिनाइल किटोन्यूरिया क्या है कि कंजेनाइटल डिजीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनाइल किटोन्यूरिया कौन सी डिजीज़ है। तो फिनाइल किटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़, कंजेनाइटल है। क्या होता है इसके कारण? इसके अंदर होता है कि जो अपना एमाइनो एसिड फेनिलएलनिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट है सीलेक डिजीज़ क्या है? सीलेक डिजीज़ इज ए ग्लूटिन प्रोटीन इंटॉलरेंस डिसऑर्डर। जो ग्लूटिन प्रोटीन होती है उसको टॉलरेट नहीं करने का एक डिसऑर्डर है, वो है सीलेक डिजीज़। सीलेक डिजीज़ में क्या होता है कि जो ग्लूटिन प्रोटीन जो होती है उसके प्रति टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो नेक्स्ट है हमारा सीलिएक डिजीज़ इज ए ग्लूटिन प्रोटीन इंटॉलरेंस डिसऑर्डर। ग्लूटिन प्रोटीन मेनली प्रेजेंट इन वीट, रे एंड बार्ले। ग्लूटिन प्रोटीन कहाँ उपस्थित होती है? ग्लूटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है वीट, रे और बार्ले में। वीट, रे, राइस और बार्ले। और एक और होता है ओएटीएस, ओट्स जो होते हैं उनके अंदर भी ग्लूटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है सीलिएक डिजीज़ इज आल्सो नोन एज गी टाइसिन डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ को क्या बोलते हैं? गी टाइसिन डिजीज़ या ग्लूटिन सेंसिटिविटी एंटेरोपैथी। ग्लूटिन सेंसिटिविटी एंटेरोपैथी सीलिएक डिजीज़ को क्या बोलते हैं? गी टाइसिन डिजीज़ या ग्लूटिन सेंसिटिविटी एंटेरोपैथी। नेक्स्ट है हमारा सीलिएक डिजीज़ अफेक्ट ऑल स्मॉल। सीलिएक डिजीज़ क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीलिएक डिजीज़ में इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट जो है अफेक्टेड होता है। तो सीलिएक डिजीज़ में इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्टेड होती है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग क्या है? पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्लिनिक फीचर है। करंट जेली लाइक स्टूल इज ए क्लासिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटुससेप्शन। जो करंट जेली लाइक स्टूल है वो कहाँ मिलता है? इंटू ससेप्शन के अंदर मिलता है। डायरिया अप टू 10 लूज स्टूल्स पर डे कॉल्ड सीवियर डायरिया। सीवियर डायरिया किसको बोलेंगे? डायरिया अगर 10 तक है
अप टू 10 लूज स्टूल, 10 बार अगर जाता है लूज स्टूल में तो उसको बोलते हैं सीवियर डायरिया। एपिसोड ऑफ एक्यूट डायरिया दैट लास्ट फॉर 2 वीक और मोर कॉल्ड परसिस्टेंट डायरिया। अगर दो एक्यूट डायरिया है और 2 वीक से परसिस्टेंट है, एक्यूट डायरिया दैट लास्ट 2 वीक और मोर, 2 वीक से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, परसिस्टेंट डायरिया। नेक्स्ट है हमारा डायरिया विथ वाटरी स्टूल एंड विजिबल ब्लड इज इन द स्टूल कॉल्ड डिसेंट्री। अगर वाटरी स्टूल डायरिया है और डायरिया के अंदर ब्लड दिख रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्री। नेक्स्ट है हमारा डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट कॉज संकन फोंटेनल। डिहाइड्रेशन क्या करता है, फोंटेनल को संकन करता है, वेट को लॉस करता है और इंक्रीज हीमेटोक्रिट और लॉस स्किन टर्गर। डिहाइड्रेशन के क्या सिम्टम है, डिहाइड्रेशन के सिम्टम है कि बच्चों के अंदर फोंटेनल को डिप्रेस करेगा, वेट को लॉस करेगा और जो हीमेटोक्रिट वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और स्किन का जो टर्गर है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रोटा वायरस इज कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक डायरिया इन चिल्ड्रन। तो क्रॉनिक डायरिया इन चिल्ड्रन का कारण क्या है, वो है रोटा वायरस। रोटा वायरस इज कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक डायरिया इन चिल्ड्रन, 3 मंथ से 2 ईयर के बच्चे जो होते हैं उनमें क्रॉनिक डायरिया का क्या रीज़न है, रोटा वायरस। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ ORS। ये बहुत बार पूछा हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं कंपोजिशन। तो NaCl 2.6% होता है, KCl 1.5 ग्राम होता है, सोडियम साइट्रेट 2.9 ग्राम होता है और ग्लूकोज जो होता है वो 13 ग्राम होता है। और इसमें जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो नहीं मिलता है। ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकोनेट भी दे रखा होगा 101%, तो वो नहीं है। नेक्स्ट द फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS शुड बी यूज विद इन 24 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन। जो ORS का सॉल्यूशन है फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया है उसको कब तक यूज़ करेंगे हम, 24 आवर्स तक। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ है कि फ्रेश जो ORS प्रिपेयर किया है उसको हम कब तक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हर्षप्रिंग डिजीज इज कंजेनाइटल एनोमली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल्स मेनली इन लार्ज इंटेस्टाइनल रिजल्ट इन टू क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। हर्षप्रिंग डिजीज क्या है, गैंग्लियन की अनुपस्थिति है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे गैंग्लियन एब्सेंट होते हैं और उन एब्सेंट गैंग्लियन की वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होता है, और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट रहेगा। तो नेक्स्ट है हमारा रूल ऑफ टेन यूज्ड फॉर क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप के लिए जो है रूल ऑफ 10 अपन यूज़ करते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रूल ऑफ 10 किसके लिए यूज में करते हैं। रूल ऑफ 10 इज क्राइटेरिया टू डिसाइड रेडीनेस ऑफ एन इन्फेंट फॉर सर्जिकल रिपेयर ऑफ ए क्लेफ्ट लिप। रूल ऑफ 10 का क्या क्राइटेरिया है, वो क्या डिसाइड करता है कि जो बच्चा है वो रेडी है और नहीं है, किसके लिए, रिपेयर करने के लिए, जो क्लेफ्ट लिप है उनको रिपेयर करने के लिए रेडी है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 10 इन्फेंट मस्ट हैव वेट 10। रूल ऑफ 10 क्या कहता है कि वेट है वो 10 पाउंड होना चाहिए, कितने वीक का बच्चा होना चाहिए, एज होनी चाहिए 10 वीक की, और हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 ग्राम। हीमोग्लोबिन की वैल्यू 10 ग्राम होनी चाहिए, वेट जो होना चाहिए उसका 10 पाउंड होना चाहिए और उसका जो एज है वो 10 वीक मिनिमम होनी चाहिए, और WBC काउंट कितना होना चाहिए, लेस देन 10,000, 10,000 से कम WBC काउंट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर ए सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप बेस्ट पोजीशन इज अपोजिट साइड लेटरल पोजीशन। सर्जिकल अगर हम क्लेफ्ट लिप की अगर बात करते हैं तो उसके लिए जो मोस्ट ऑफ पोजीशन वो कौन सी होनी चाहिए, सर्जिकल क्लेफ्ट लिप की रिपेयरिंग के बाद जो साइड अपन पोजीशन देते हैं वो कौन सी देते हैं, अपोजिट साइड देते हैं लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन देते हैं अपोजिट साइड, मतलब अगर राइट में हुआ है तो लेफ्ट लेटरल देंगे और अगर लेफ्ट में सर्जरी हुई है तो उसके लिए हम राइट लेटरल पोजीशन जो है हम देते हैं। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर सर्जरी ऑफ क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर द चाइल्ड
should be placed on abdomen in prone position to decrease infant tendency to suck secretion from suture line. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हुई है तो उसके लिए हमें बच्चों को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, एब्डोमन पे देनी चाहिए, प्रॉन पोजीशन देनी चाहिए. क्लेफ्ट लिप के लिए हम पोजीशन देंगे लेटरल पोजीशन देंगे, और जिस साइड में हुआ उसके अपोजिट साइड में पोजीशन देंगे. लेकिन अगर हम क्लेफ्ट पैलेट को रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रॉन पोजीशन देनी है, एब्डोमन पे प्रॉन पोजीशन देनी है. और क्यों देते हैं अपन, टू डिक्रीज द टेंडेंसी ऑफ सक सिक्रेशन फ्रॉम सूचर लाइन. सूचर लाइन से जो सिक्रेशन है उनके सकिंग की टेंडेंसी को कम करने के लिए हम ये पोजीशन देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लेफ्ट लिप सर्जरी इज डन एट 3 to 6 weeks. क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हम कब करते हैं, 3 से 6 months के अंदर करते हैं. ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा हुआ है कि क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हम कब करते हैं और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हम कब परफॉर्म करते हैं, 6 से 2 years के अंदर. 6 months to 2 years के अंदर हम क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी परफॉर्म करते हैं, 6 months to 2 years. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी इज परफॉर्म 6 months to 2 years. नेक्स्ट है, एनेंसेफेली मीन्स कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ ब्रेन. एनेंसेफेली का मतलब है कि ब्रेन का कंजेनाइटली एब्सेंट होना. कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ ब्रेन, क्रेनियल बॉल्ट एंड विच कैन बी डिटेक्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ. एनेंसेफेली का मतलब है कि जो ब्रेन है, क्रेनियल बॉल्ट है, वो एब्सेंट होते हैं कब, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बचपन के जब पैदा होता है उस टाइम पे एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोसिपेलस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CSF विद इन द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन. हाइड्रोसिपेलस का मतलब क्या है कि एक्सेसिव जो फ्लूड है CSF, उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है कहाँ पे, वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के जो वेंट्रिकल है उनके अंदर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सनसेट आई इज द टिपिकल फीचर ऑफ हाइड्रोसिपेलस. सनसेट जो आई होती है वो कहाँ मिलती है, हाइड्रोसिपेलस के अंदर. सनसेट जो आई है वो कहाँ मिलती है, हाइड्रोसिपेलस के अंदर मिलती है. स्पाइना बाइफिडा इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफेक्ट इन विच न्यूरल ट्यूब फेल टू क्लोज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड. स्पाइना बाइफिडा क्या है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है अपना स्पाइनल कॉर्ड की जो न्यूरल ट्यूब होती है वो फेल होती है किसके लिए, टू क्लोज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड. एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान क्लोज होने के लिए वो फेल हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेज सिंड्रोम. रेज सिंड्रोम इज एन एक्यूट एनेंसेफेलोपैथी आफ्टर ए वायरल इन्फेक्शन. रेज सिंड्रोम क्या है, एक्यूट एनसेफेलोपैथी है कब, वायरल इन्फेक्शन के बाद. ये कब होती है, जब वायरल इन्फेक्शन के साथ अगर हम एस्प्रिन लेते हैं तो वो क्या करती है, लीवर को डैमेज करती है, और लीवर को डैमेज करने से जो हिपेटिक एनसेफेलोपैथी हो जाती है और वो एक्यूट एनसेफेलोपैथी हो जाती है. तो रेज सिंड्रोम क्या है, एक्यूट एनसेफेलोपैथी है आफ्टर ए वायरल इन्फेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली अफेक्ट इन्फेंट ऑफ एज 2 to 3 months. 2 से 3 months के बच्चों को अफेक्ट करता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम. किसको अफेक्ट करता है, 2 to 3 months की जो एज है उनको अफेक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू प्रिवेंट एस सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम इज एन अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 year ऑफ एज इन विच कॉज ऑफ डेथ आर फेल टू प्रूव बाई ऑटोप्सी. सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का क्या है कि अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती और उसका कोई कॉज भी जो है हमें बायोप्सी या ऑटोप्सी के जिसका कोई कॉज भी हमें नहीं मिलता है. कोई भी ऐसा कॉज नहीं प्रूफ होता है किसी भी कारण से कि किस कारण से ये डेथ हुई है, वो ऑटोप्सी से भी पता नहीं चलता है. तो नेक्स्ट है हमारा, टू प्रिवेंट सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम इन्फेंट शुड बी प्लेस ऑन हिज हर बैक. ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि SIDS को प्रिवेंट करने के लिए हमें कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, बैक, हमें उसकी बैक से सुलाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी चाइल्ड इज प्लेस इन साइड लाइंग पोजीशन.
अगर टॉन्सिलेक्टोमी हुई है तो उसको हम कैसी पोजीशन देंगे, साइडलाइन पोजीशन हम उसको देते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट स्वेलिंग सस्पेक्टेड ब्लीडिंग आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा हुआ है, एनक्लेक्स का क्वेश्चन है, कोई सी भी बुक देख लेना, कोई सी भी एग्जाम देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टॉन्सिलेक्टोमी के बाद हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए कि ब्लीडिंग हो रही है। सस्पेक्टेड अगर ब्लीडिंग अपन को करना है तो कौन सा सिम्टम आप देखने को मिलेगा, तो फ्रिक्वेंट अगर स्वेलिंग देखने को मिल रही है आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी तो वो सस्पेक्टेड है क्या कि उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट है बेल्ब्स ट्यूमर, जो नेफ्रोब्लास्टोमा, इज मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ किडनी अकर इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर होने वाला मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर है, बच्चों के अंदर होने वाला मोस्ट कॉमन ट्यूमर है वो कौन सा है, बेल्ब्स ट्यूमर। और बेल्ब्स ट्यूमर किसका ट्यूमर है, किडनी का। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि बिल्म्स ट्यूमर कौन से ऑर्गन का ट्यूमर है, तो वो है किडनी। नेक्स्ट है एन्यूरिसिस और बेड वेटिंग इज एन इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ यूरिन आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर। 5 साल के बाद अगर इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज करता है, इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज करता है यूरिन को, तो उसको बोलते हैं हम एन्यूरिसिस। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है एन्यूरिसिस के लिए, एन्यूरिसिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है इमीपेरामाइन। ये क्वेश्चन साइकेट्रिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एन्यूरिसिस के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, कौन सी ड्रग अपन यूज़ में लेते हैं, तो वो है इमीपेरामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्किडोपेक्सी इज सर्जिकल करेक्शन ऑफ अनडिस्टेंडेड टेस्टिस। अनडिस्टेंडेड टेस्टिस के सर्जिकल करेक्शन के लिए हम कौन सी सर्जरी करते हैं, ऑर्किडोपेक्सी, ऑर्किडोपेक्सी। नेक्स्ट है क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म इज फेल्यूर ऑफ वन और बोथ टेस्टिस इनटू स्क्रूटम। और क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जो टेस्टिस जो डिसेंड होने चाहिए थे स्क्रूटम के अंदर, वो डिसेंड नहीं हो पाते, फेलियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है फीमोसिस इज करेक्टेड बाई सर्कमसीजन। फीमोसिस को किसके द्वारा करेक्ट किया जा सकता है, सर्कमसीजन के द्वारा करेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है बेलेनाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन कवरिंग द ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस की जो कवरिंग होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, बेलेनाइटिस, बेलेनिटिस। नेक्स्ट है एक्सीडेंट आर मेजर कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन एज 5 to 12 ईयर। ये क्वेश्चन एम्स रायपुर में पूछा हुआ है 2017 के अंदर की जो मेजर कॉज क्या है डेथ का बच्चों के अंदर, तो वो है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट आर द मेजर कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन एज 5 to 12 ईयर। नेक्स्ट है मैजिकल थिंकिंग एंड फैंटेसी प्ले आर मोर कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग प्री स्कूलर ईयर। तो प्री स्कूलर बच्चे जो होते हैं उनके अंदर कौन सा प्ले मिलता है, मैजिकल थिंकिंग एंड फैंटेसी प्ले। मैजिकल थिंकिंग एंड फैंटेसी प्ले जो है प्री स्कूलर चाइल्ड के अंदर मिलता है। नेक्स्ट है टीथिंग यूजुअली बिगेन अराउंड एज 6 मंथ। दांतों का आना कब स्टार्ट हो जाता है, 6 महीने के अंदर जो है टीथों का आना स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू।